खबर धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र से है, जहां मीणा कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। जानकारी की माने तो रंगीलाल मीणा अपने परिवार के साथ मकान में सो रहा था, जहां देर रात उसके छोटे भाई के मकान में चोर घुस गए। लेकिन रंगीलाल मीणा को चोरों की आहट आ गई और विरोध करने पर चोरों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे पीड़ित लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ा और चोर आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा सीओ बाड़ी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे पड़ोसी भाई रंगीलाल मीणा मार साहब के मकान में दिनांक 14/10/19 को रात्रि के लगभग 12 बजे अज्ञात चोर आए। चोरों ने प्रवेश किया। पहले उनकी भाई रंगीलाल जी के छोटे भाई उत्तम सिंह जी के कमरे में से चोरी की। जैसे ही उनको आवाज़ सुनाई दी रंगीलाल जी को, उन्होंने अपना गेट अपने कमरे में से गेट खोला तो चोरों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। 12:30 बजे के करीब अज्ञात चोर आए, घर में प्रवेश किया, चोरी करने लगे। उसने विरोध किया तो उसको घायल कर गए चाकुओं से और मार दिया, जिसकी मुकदमा दर्ज कर लिया। रात में कम सम्मान किया जा रहा और चोरों के बारे में जल्दी ही शीघ्र ही तलाश की जाएगी।